इस तरीके से श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से मिलती है सिद्धि हर काम में, हर काम बनने लगते हैं, हर काम में सफलता मिलने लगती है, हर ओर से पैसा आने लगता है, हर ओर से आपकी तरक्की और बरकत चालू हो जाती है। लेकिन आप गलत तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जिससे आपको कोई फल नहीं मिलता है और दोषारोपण इस पवित्र पुस्तक पर आप कर देते हैं, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। और हम ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनका कोई काम नहीं होता तो श्री हनुमान जी महाराज को दोष देते हैं या श्री हनुमान चालीसा को दोष देते हैं। तो ऐसे लोगों का कि हम निंदा करते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से श्री हनुमान चालीसा का पठन प्रारंभ करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और 100% आपका काम बनेगा। तो श्री हनुमान चालीसा में अत्यंत श्रद्धा भाव रखते हुए उनसे पहले श्री राम का नाम जपते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूँ ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ने का पहला असूल है जय श्री राम अवश्य बोलें, तब हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम की कृपा भी आपको मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्टली ही हनुमान चालीसा का पठन प्रारंभ करते हैं, तो हनुमान जी को ये पसंद नहीं आता है और आपके काम नहीं बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं, रामदूत हैं। और रामदूत उनको कहा जाए या श्री रामदूताय नमः उनको कहा जाए या श्री रामदूताय नमः पहले बोला जाए तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित परिणाम देते हैं। श्री हनुमान चालीसा की भक्ति से आप ओतप्रोत होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा अगर आप 100 बार पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। 11 पाठ पढ़ने वाले को अत्यंत लाभ मिलता है, लेकिन 100 बार पाठ करना चमत्कार उत्पन्न करता है। अगर आप एक एक पाठ भी डेली करते हैं और 100 दिन तक 100 पाठ आपके पूरे हो जाते हैं, तब आपको उम्मीद करनी चाहिए आपका काम तुरंत हो जाएगा और समय होगा ही होगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जो दोष उत्पन्न करती हैं। अगर आप स्नान करते समय हनुमान चालीसा बोल रहे हैं तो गलत बात नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन हम इसकी आपको वकालत भी नहीं कर रहे, हम ऐसा करने को आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन अलाउ करे तो नहाते वक्त भी श्री हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ शुद्धता पूर्वक करना चाहिए, यह हनुमान चालीसा का नियम है पहला। लेकिन बच्चे और वृद्धों को सब माफ़ होता है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी है और फिर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेके नहीं करते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा की पुस्तक आपके सामने होनी जरूरी है, शुद्ध घी का दीपक जलाना ज़रूरी है और हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी की प्रति श्रद्धा होनी ज़रूरी है। ये मस्ट है, मस्ट, तभी आपको सफलता हर काम में मिलेगी, आपका हर काम सफलता को प्राप्त होगा, मनमाना पैसा आपकी ज़िंदगी में आएगा। हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान जी से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं जिनका पाठ आप करके लाभान्वित हो सकते हैं। बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण के कुछ नियम होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, किसी भी पुस्तक के नियम आपको मालूम होने चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ भी आपके लिए स्वास्थ्य को अच्छा करने के क्षेत्र में लाभान्वित करने वाला हो सकता है। शत्रुंजय लांगुलास्त्र स्त्रोत पढ़ते हैं तो शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होती है, इस पर हम एक वीडियो पहले दे चुके हैं, उसको देखिए और लाभान्वित होइए। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाते हैं तो आपकी वो मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। लेकिन कई लोग ये गलती करते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति बड़े साइज़ की होती है और चोला यानी सिंदूर, चांदी का वर्क और चमेली का तेल अल्प मात्रा में अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति को पूरा चोला आ जाए, उनको कम नहीं पड़ना चाहिए, इसी से आपको दोष लग जाता है। अगर कम पड़ जाता है तो ये दोष महादोष की श्रेणी में आता है, या तो ना चढ़ाएं, लेकिन या चढ़ाएं तो उनकी मूर्ति के साइज़ का चोला चढ़ाएं, तभी आपको लाभ होता है।
मंगल और शनिवार को हनुमान जी को पान भी अर्पित किया जाता है, तो पान आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शुद्धता अपेक्षित होती है। और पनवाड़ी जी से पान बनवाते समय आप उनको निवेदन करें, बताएं कि मैं हनुमान जी के निमित्त पान बनवा रहा हूँ या बनवा रही हूँ, तो हनुमान जी का पान बनाना जानते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं उनको पता होता है, और वैसा ही पान वो बना के आपको देते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। श्री हनुमान चालीसा का पठन शुरू करते समय आपको पूजा करनी चाहिए पुस्तक की भी, और संकल्प लेना चाहिए कि आप इतने पाठ करेंगे तो आपको रिजल्ट हनुमान जी महाराज दें। 100 से कम भी पाठ करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा और पाठ बताने पड़ेंगे कि मैं इतना पाठ इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो, मेरी बरकत हो, तरक्की हो, मेरी दीर्घायु हो, जो भी निवेदन आप करना चाहते हैं हनुमान जी के समक्ष कर सकते हैं, और फिर पाठ शुरू करते हैं तब आपको वो पूर्ण फल मिलना चालू हो जाता है। थैंक यू सो मच।